जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिवम स्टडी सेंटर के इस लेटेस्ट धमाकेदार मस्त वीडियो में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। और मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। और मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अनुवाद के नियम बताते हैं, फिर आपको सेंटेंस बताएंगे बहुत अच्छे से, कहाँ व्हाट का प्रयोग करना है, कहाँ वर्ब का प्रयोग करना है, कहाँ हु का प्रयोग करना है, कहाँ वेयर का प्रयोग करना है, सब आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए सबसे पहले अनुवाद के नियम देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहचान और अनुवाद के नियम रहे ये। मेरे प्यारे साथियों, इनकी पहचान है ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, राइट। ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे साथियों, दूसरा पहचान रहा ये, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, राइट। अब चलते हैं मेरे प्यारे साथी, देखते हैं अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम रहे ये। हमारा फर्स्ट नियम है मेरे प्यारे साथियों, आप सही से समझिए, प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन वाक्य के पहले लगे होते हैं, इसलिए पहले उनकी अंग्रेजी लिखकर सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखा जाता है, राइट। मेरे प्यारे साथियों, आप समझिए मेरी बात को, प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन वाक्य के पहले लगे होते हैं, इसलिए पहले उनकी अंग्रेजी लिखकर सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखा जाता है। देखिए, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखा जाता है, राइट। और जो क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन आदि शब्द आ जाते हैं प्रश्नवाचक, तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखते हैं, राइट। और हमारा दूसरा अनुवाद रहा ये, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, राइट। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है वो जरूर लगाया जाता है, वरना हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। इसलिए हमें क्वेश्चन वर्ड वाले प्रश्नवाचक शब्दों में, प्रश्नवाचक शब्दों के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, राइट। चलिए हम आपको कुछ सेंटेंस बताते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा, राइट। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट। व्हाट मींस होता है क्या। इससे हम आपको सेंटेंस बताएंगे कि व्हाट का प्रयोग किन किन सेंटेंसों में किया जाता है, हमें व्हाट का प्रयोग कैसे करना है। चलिए हम आपको सेंटेंस बता के सब आपको डिफाइन करते हैं, राइट। चलिए मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं आगे व्हाट से सेंटेंस। मेरे प्यारे साथियों, व्हाट से हमारा पहला सेंटेंस रहा ये, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, व्हाट एम आई रीडिंग। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, व्हाट एम आई रीडिंग। आप क्या पत्र लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग द लेटर। आप क्या पत्र लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग द लेटर। वे क्या खाना खा रहे हैं, व्हाट आर दे ईटिंग द फूड। वे क्या खाना खा रहे हैं, व्हाट आर दे ईटिंग द फूड। हम क्या पानी पी रहे हैं, व्हाट आर वी ड्रिंकिंग द वाटर। हम क्या पानी पी रहे हैं, व्हाट आर वी ड्रिंकिंग द वाटर। मैं क्या नहा रहा हूँ, व्हाट एम आई बाथिंग। मैं क्या नहा रहा हूँ, व्हाट एम आई बाथिंग। हम क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर वी प्लेइंग। हम क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर वी प्लेइंग। आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। चलिए मेरे प्यारे साथियों, और आपको बताते हैं आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपको क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखोगे, राइट। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, व्हेन। व्हेन मींस होता है कब, राइट। हम इससे आपको सेंटेंस बताते हैं, व्हेन का प्रयोग हमें कहाँ करते हैं और कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। चलिए हम आपको व्हेन, कब, इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस बताते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा, राइट। मेरे प्यारे साथियों, व्हेन यानी कब से हमारा पहला सेंटेंस रहा ये, आप स्कूल कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल। आप स्कूल कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल। वह कब टहल रहा है, व्हेन इज ही वॉकिंग।
वह कब टहल रहा है, वैन इज ही वॉकिंग, वह पत्र कब लिख रही है, वैन इज सी राइटिंग द लेटर, वह पत्र कब लिख रही है, वैन इज सी राइटिंग द लेटर, हम क्रिकेट कब खेल रहे हैं, वैन आर वी प्लेइंग द क्रिकेट, हम क्रिकेट कब खेल रहे हैं, वैन आर वी प्लेइंग द क्रिकेट, शिवम बाजार कब जा रहा है, वैन इज शिवम गोइंग टू मार्केट, शिवम बाजार कब जा रहा है, वैन इज शिवम गोइंग टू मार्केट, आप पुस्तक कब खरीद रहे हो, वैन आर यू बाइंग द बुक, आप पुस्तक कब खरीद रहे हो, वैन आर यू बाइंग द बुक, सुमित कब पकड़ रहा है, वैन इज सुमित कैचिंग, सुमित कब पकड़ रहा है, वैन इज सुमित कैचिंग, आप कब जा रहे हो, वैन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हो, वैन आर यू गोइंग। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको और बताते हैं वैन से सेंटेंस, यानी कि वैन मिस होता है कब, और हम आपको बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं सेंटेंस। यदि आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो है, वहाँ जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हो, राइट। चलिए आपको आगे सेंटेंस बताते हैं वैन मिस कब। मैं कब आ रहा हूँ, वैन एम आई कमिंग, मैं कब आ रहा हूँ, वैन एम आई कमिंग, आप कब पढ़ रहे हो, वैन आर यू रीडिंग, आप कब पढ़ रहे हो, वैन आर यू रीडिंग, हम कब हंस रहे हैं, वैन आर वी लाफिंग, हम कब हंस रहे हैं, वैन आर वी लाफिंग, मैं कब लिख रहा हूँ, वैन एम आई राइटिंग, मैं कब लिख रहा हूँ, वैन एम आई राइटिंग, वे कब तैर रहे हैं, वैन आर दे स्विमिंग, वे कब तैर रहे हैं, वैन आर दे स्विमिंग, मैं कब देख रहा हूँ, वैन एम आई लुकिंग, मैं कब देख रहा हूँ, वैन एम आई लुकिंग। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब आपको और बताते हैं सेंटेंस। मेरे प्यारे साथियों, अब हम आपको बताएंगे सेंटेंस व्हाई, व्हाई मिस होता क्यों, राइट। इससे हम आपको सेंटेंस बताएंगे बहुत ही अच्छे से। अभी हमने आपको बताया व्हाट, कब, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, व्हेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अब हम आपको बताएंगे व्हाई, व्हाई मिस होता है क्यों, इनका प्रयोग हमें कहाँ करना है, सेंटेंस बताते हैं आपको। देखिए मेरे प्यारे साथियों, व्हेन से हमारा पहला सेंटेंस रहा ये, सुमन खाना क्यों बना रही है, व्हाई इज सुमन मेकिंग द फूड, सुमन खाना क्यों बना रही है, व्हाई इज सुमन मेकिंग द फूड, हम अनुभव क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी फीलिंग, हम अनुभव क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी फीलिंग, आप पाठ क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू रीडिंग द लेसन, आप पाठ क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू रीडिंग द लेसन, शिवम बाजार क्यों पहुंच रहा है, व्हाई इज शिवम रीचिंग द मार्केट, शिवम बाजार क्यों पहुंच रहा है, व्हाई इज शिवम रीचिंग द मार्केट, कुसुम खाना क्यों पका रही है, व्हाई इज कुसुम कुकिंग द फूड, कुसुम खाना क्यों पका रही है, व्हाई इज कुसुम कुकिंग द फूड, सुमित क्यों कूद रहा है, व्हाई इज सुमित जंपिंग, सुमित क्यों कूद रहा है, व्हाई इज सुमित जंपिंग, मैं अब क्यों सो रहा हूँ, व्हाई एम आई स्लीपिंग नाउ, मैं अब क्यों सो रहा हूँ, व्हाई एम आई स्लीपिंग नाउ, आप क्यों दौड़ रहे हो, व्हाई आर यू रनिंग, आप क्यों दौड़ रहे हो, व्हाई आर यू रनिंग। चलिए मेरे प्यारे साथियों, और बताते हैं आप क्यों, व्हाई से सेंटेंस। मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, व्हाई एम आई ईटिंग द फूड, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, व्हाई एम आई ईटिंग द फूड, आप क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, व्हाई एम आई टीचिंग यू, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, व्हाई एम आई टीचिंग यू, ममता क्यों रो रही है, व्हाई इज ममता वीपिंग, ममता क्यों रो रही है, व्हाई इज ममता वीपिंग, अरे मैं क्या जानता क्यों रो रही है। चलिए कोई नहीं, आगे देखते। मैं क्यों नाच रहा हूँ, व्हाई एम आई डांसिंग, मैं क्यों नाच रहा हूँ, व्हाई एम आई डांसिंग, मैं क्यों सोच रहा हूँ, व्हाई एम आई थिंकिंग, मैं क्यों सोच रहा हूँ, व्हाई एम आई थिंकिंग, हम क्यों धो रहे हैं, व्हाई आर वी वॉशिंग, हम क्यों धो रहे हैं, व्हाई आर वी वॉशिंग। चलिए मेरे प्यारे साथियों, और बताते हैं आपको बहुत ही अच्छे से सेंटेंस, और आप, मैं जानता हूँ आप सभी अच्छे से समझ रहे हो।
आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा जो हम आपको सेंटेंस और अनुवाद के नियम बता रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं और वाई क्यों उसे सेंटेंस। मेरे प्यारे साथियों, अब हम आपको बताएंगे हाउ, हाउ मिस होता है कैसे। हम आपको इससे सेंटेंस बताएंगे बहुत ही अच्छे से। आज की वीडियो आपको शुरू से लास्ट तक जरूर देखनी पड़ेगी, जब ही आपको क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस समझ में आएंगे और आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते। आप आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो चलिए देखते हैं आगे सेंटेंस। मेरे प्यारे साथियों, हाउ कैसे, इससे हमारा पहला सेंटेंस रहा ये, आप कैसे बदल रहे हो, हाउ आर यू चेंजिंग। आप कैसे बदल रहे हो, हाउ आर यू चेंजिंग। हम कैसे भेज रहे हैं, हाउ आर वी सेंडिंग। हम कैसे भेज रहे हैं, हाउ आर वी सेंडिंग। राम कैसे खेल रहा है, हाउ इज राम प्लेइंग। राम कैसे खेल रहा है, हाउ इज राम प्लेइंग। शिवम कैसे कह रहा है, हाउ इज शिवम सेइंग। शिवम कैसे कह रहा है, हाउ इज शिवम सेइंग। ममता कैसे बोल रही है, हाउ इज ममता स्पीकिंग। ममता कैसे बोल रही है, हाउ इज ममता स्पीकिंग। आप कैसे लौट रहे हो, हाउ आर यू रिटर्निंग। आप कैसे लौट रहे हो, हाउ आर यू रिटर्निंग। मैं कैसे समाप्त कर रहा हूँ, हाउ एम आई फिनिशिंग। मैं कैसे समाप्त कर रहा हूँ, हाउ एम आई फिनिशिंग। चलिए मेरे प्यारे साथियों, और आपको बताते हैं सेंटेंस। मेरे प्यारे साथियों, अब हम आपको बताएंगे वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। कहाँ से हम आपको सेंटेंस बताएंगे, जैसे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस तरीका से हम आपको सेंटेंस बताएंगे। वेयर मीन्स कहाँ, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सेंटेंस बताते हैं आपको। चलिए मेरे प्यारे साथियों, वेयर से हमारा पहला सेंटेंस रहा ये, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई गोइंग। मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई गोइंग। आप कहाँ पढ़ रहे हो, वेयर आर यू रीडिंग। आप कहाँ पढ़ रहे हो, वेयर आर यू रीडिंग। मैं पुस्तक कहाँ बेच रहा हूँ, वेयर एम आई सेलिंग द बुक। मैं पुस्तक कहाँ बेच रहा हूँ, वेयर एम आई सेलिंग द बुक। सुमित कहाँ आ रहा है, वेयर इज सुमित कमिंग। सुमित कहाँ आ रहा है, वेयर इज सुमित कमिंग। मैं आपको कहाँ देख रहा हूँ, वेयर एम आई लुकिंग यू। मैं आपको कहाँ देख रहा हूँ, वेयर एम आई लुकिंग यू। मोहन खाना कहाँ खा रहा है, वेयर इज मोहन ईटिंग द फूड। मोहन खाना कहाँ खा रहा है, वेयर इज मोहन ईटिंग द फूड। मैं पुस्तक कहाँ खरीद रहा हूँ, वेयर एम आई बाइंग द बुक। चलिए मेरे प्यारे साथियों, और आपको बताते हैं आगे वेयर से सेंटेंस। बहुत ही अच्छे से आज आपको समझ में आ रहा है, ये मैं आशा करता हूँ आपसे। आप कहाँ सो रहे हो, वेयर आर यू स्लीपिंग। आप कहाँ सो रहे हो, वेयर आर यू स्लीपिंग। रवि कहाँ दौड़ रहा है, वेयर इज रवि रनिंग। रवि कहाँ दौड़ रहा है, वेयर इज रवि रनिंग। शिवम कहाँ जा रहा है, वेयर इज शिवम गोइंग। शिवम कहाँ जा रहा है, वेयर इज शिवम गोइंग। कविता कहाँ सुन रही है, वेयर इज कविता लिसनिंग। कविता कहाँ सुन रही है, वेयर इज कविता लिसनिंग। मैं मिलने कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई मीटिंग। मैं मिलने कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई मीटिंग। निशा कहाँ पूछ रही है, वेयर इज निशा आस्किंग। निशा कहाँ पूछ रही है, वेयर इज निशा आस्किंग। चलिए मेरे प्यारे साथियों, और आपको बताते हैं अच्छे से सेंटेंस। और हम आपको बता रहे हैं आज की वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ये मैं जानता हूँ। आपने हमारा चैनल पकड़ लिया है, समझ लियो बहुत अच्छा किया। मेरे प्यारे साथियों, अब हम आपको बताएंगे हु। हु मिस होता है कौन। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कौन का प्रयोग कैसे सेंटेंस करने हैं, चलिए हम आपको आगे बताते हैं सेंटेंस करके, आपको सब क्लियर हो जाएगा, राइट। और हमने आपको अनुवाद बता ही दिया है। मेरे प्यारे साथियों, हु से हमारा पहला सेंटेंस रहा ये, आपको कौन पढ़ा रहा है, हु आर यू टीचिंग। आपको कौन पढ़ा रहा है, हु आर यू टीचिंग।
आप कौन बोल रहे हो, हु आर यू स्पीकिंग, आप कौन बोल रहे हो, हु आर यू स्पीकिंग। ममता को कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग ममता, ममता को कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग ममता। मुझे कौन पीट रहा है, हु इज बीटिंग मी, मुझे कौन पीट रहा है, हु इज बीटिंग मी। उन्हें कौन बुला रहा है, हु आर दे कॉलिंग, उन्हें कौन बुला रहा है, हु आर दे कॉलिंग। आपको कौन हंसा रहा है, हु आर यू लाफिंग, आपको कौन हंसा रहा है, हु आर यू लाफिंग। अब कौन समाप्त कर रहा है, हु इज फिनिशिंग नाउ, अब समाप्त कौन कर रहा है, हु इज फिनिशिंग नाउ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पर आपको बेसिक से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी शुरू से वीडियो देख सकते हो। और मैं आपसे आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स बताए, पहले वेयर, व्हाट, इनका प्रयोग, फिर मैंने आप सेंटेंस बताए, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियो को शेयर किया करो। तो हमारी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और मिलते हैं कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.